वेलकम यू ऑल इन टीआरएलएसएस वीडियो लेक्चर्स। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी काफ़ी टॉपिक्स पर ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्रिटिकल लोड्स ऑफ कॉलम्स, इसको हम लोग बकलिंग लोड ऑफ कॉलम्स भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला केस जो है हमारे पास, यदि वो कॉलम्स विथ बोथ एंड हिंज या पिन सपोर्ट कंडीशन, ये हमारा कॉलम्स है यहाँ से यहाँ तक, और ओरिजिनल लेंथ कॉलम का एल है, और दोनों साइड हिंज सपोर्ट हो या पिन सपोर्ट हो, तो उस केस में ये जो पैटर्न हमारा बकलिंग लोड पैटर्न जो है हमारा इस तरीके से बनता है। और इस पार्टिकुलर केस में हमारा इफेक्टिव लेंथ जो होता है ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है। तो हमारा क्रिटिकल बकलिंग लोड का जो फार्मूला है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाय एल स्क्वायर। तो पी सी आर हमारा है क्रिटिकल लोड ऑन द कॉलम्स, जिसको हम लोग बकलिंग लोड ऑन द कॉलम्स भी कह सकते हैं। आई मिनिमम, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम्स, और ई हमारा यंग मॉडुलस है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमको ये देखना है कि नेक्स्ट कंडीशन केस टू, कॉलम्स विथ वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री। कॉलम्स विथ वन एंड फिक्स्ड, तो ये हमारा एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड फ्री है। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉलम हमारा एल है, और इफेक्टिव लेंथ जो होता है हमारा वो 2L के बराबर होता है इन केस ऑफ द सपोर्ट कंडीशन वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री। तो L इफेक्टिव यहाँ क्या होगा, 2L के बराबर होगा। और PCR हम क्रिटिकल बकलिंग लोड्स के फार्मूला में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्रिटिकल बकलिंग लोड का जो फार्मूला आ जाएगा हमारा पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम बाय 4L स्क्वायर। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट केसेस हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं केस थ्री, कॉलम्स विथ वन एंड, कॉलम्स विथ वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज सपोर्ट कंडीशन, है ना। तो हम देख रहे हैं ये कॉलम है, एक साइड फिक्स्ड है, दूसरी साइड हिंज सपोर्ट है। तो इस केस में जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो एल बाय रूट टू होता है, वेयर कैपिटल एल इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉलम्स। तो एक बार इफेक्टिव लेंथ समझ लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होता है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर बन रहा है, उसके बाद यहाँ कर्वेचर जो है हमारा चेंज कर रहा है। तो रेडियस का जहाँ कर्वेचर चेंज होता है वहाँ पर उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहते हैं। तो यहाँ इस डिस्टेंस जो हो गया एल इफेक्टिव वो एल बाय रूट टू हो गया, और बकलिंग लोड का जो फॉर्मूला होगा 2π² ई आई मिनिमम बाय एल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, मतलब इवन द कॉलम्स विथ वन एंड फिक्स्ड हो अदर एंड हिंज सपोर्ट हो तो उस केस में बकलिंग लोड 2π² आई मिनिमम बाय एल स्क्वायर। बकलिंग लोड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इफेक्टिव लेंथ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम्स विथ बोथ एंड फिक्स सपोर्ट कंडीशन, मतलब ये दोनों साइड फिक्स सपोर्ट है और ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉलम एल है। तो हम देख रहे हैं इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनना है बकलिंग के दौरान, तो यहाँ जो हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर है यहाँ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर है, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर जो होता है बोथ एंड फिक्स्ड वो एल इफेक्टिव इक्वल टू एल बाय टू होता है, वेयर एल इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉलम, एल इफेक्टिव इज द और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। उसके बाद क्रिटिकल बकलिंग लोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4π² ई आई मिनिमम बाय एल स्क्वायर। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है रैंकाइंस फार्मूला फॉर कॉलम्स। तो रैंकाइंस फार्मूला होता है 1/PR प्लस इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE, जहाँ PR जो होता है रैंकाइन लोड होता है, PC को क्रशिंग लोड कहते हैं, PE को यूलर्स बकलिंग लोड कहते हैं। उसके बाद रैंकाइन कांस्टेंट का भी पूछा जा सकता है, तो रैंकाइन कांस्टेंट होता है सिग्मा सी बाय पाई स्क्वायर ई, सिग्मा सी यहाँ क्रशिंग स्ट्रेस है और ई हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो इस तरह से टॉपिक वाइज हम लोग एसएससी जेई का सिलेबस को कवर कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड किया जाएगा, जिससे आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल सके। और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम लोग डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे।
एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।